नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय पर गोरखपुर में है। रविवार को दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ सिंधी समाज के आराध्य देव श्री झूलेलाल के मंदिर पहुंचे। उन्होंने नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा, विकास की प्रक्रिया सदैव सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती है। हम लोग अगर यही मानते रहते कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया, उसी पर रोना रोते, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। पिछली सरकारों ने पाप किया था, उस पाप की सजा जनता जनार्दन ने उनको दे दी। हमारा कार्य है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित की योजना बनाना और प्रभावी ढंग से उसको जमीन पर लागू करना। आज यह काम प्रदेश में तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा, जिस पाकिस्तान से सिंधी समाज के लोग आए हैं, वहाँ आज रोटी के लाले पड़े हैं, जबकि भारत ने विकास में योगदान देने के साथ कई लोगों का पेट पाल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के विकास के लिए सिंधी समाज के लोगों व गोरखपुर के नागरिकों ने कभी भी अड़चन नहीं आने दी। पुराने श्री झूलेलाल मंदिर के सामने 4 लेन बनने के दौरान एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया। लोगों ने विकास में और पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनाने में योगदान दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।